Hey, this is me and this is welcome back to my new vlog. तो आज तो सितारे है और मेरा कॉलेज भी नहीं है और कंप्यूटर क्लास भी नहीं है, तो आज फ्री है, तो हम सोचा कि मैं रूम साफ़ कर लूँ। तो मैं अभी बाहर में हूँ, अभी जाएगा रूम साफ़ करेगा। और मैंने रूम साफ़ करने के लिए कुछ बनाया तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखा मैंने, ये बनाया जीरो इन्वेस्टमेंट, ये है कि अगर आप लोगों को सीखना है तो बताना, मैं आप लोगों को भी सिखाऊँगी। तो चले चलते हैं रूम साफ़ करने के लिए। तो मेरा रूम काफ़ी गंदा हो रहा है, स्पाइडर्स वगैरह हो रहा है, तो मुझे साफ़ करना होगा। तो सबसे पहले बेड से शुरू करते हैं। हमने कंबल भी नहीं उठाया गाइस, अभी कंबल उठाते हैं, फिर आप लोग मेरा साथ जुड़े रहे। कंफ्यूज़ हो रहा हूँ, क्या होता है, कहाँ से शुरू करते हैं, गंदा पे। और देखो मेरा कपड़ा इतना ज़्यादा धुलाना है आज, तो कपड़ा भी धुलाना है, मेरा बहुत ज़्यादा काम है। अभी हम रूम साफ़ करते हैं पहले। कपड़ा लोगों को हटाना पड़ेगा, मुझे अभी चेयर का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ये लोग हटाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा है आंसू धुलाने के लिए। अभी ये चेयर का इस्तेमाल करके मैं ये लोग को साफ़ करूँगी। कहाँ कहाँ गया वो, काफ़ी गंदा है, दिखाई कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है वो, देखो काफ़ी गंदा हो रहा है। पहले साफ करने से पहले चश्मा लगा लेना है गैस, ताकि आप प्रोटेक्ट रहे, कचरा आँखें में ना जाए। तो मैं चश्मा लगा लिया हूँ, अब मैं शुरू करूँगी स्पाइडर साफ करने। लेट्स गो गाइस। कॉपीराइट ना आ जाए। लो गाइस सब चलते हैं साफ करने। ये देखो कितना जमा है। गाइस ये लाठी थोड़ा छोटा पड़ गया, मुझे और लंबा लेना चाहिए था, नाता हूँ ना मैं। लाइन में भी गाइस ये तो काफ़ी मज़ेदार निकला, पूरा साफ कर दिया। देखो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर कर दिया मेरा सेलिंग, बहुत ही मज़ेदार है यार। तू देखो पूरा साफ, एक सेकेंड इतना ज़्यादा हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगाए, पूरा साफ हो गया। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये तो। तो अब मेरा रूम देखो थोड़ा साफ देख रहे। ये टेबल को मैंने मिला लिया था गाइस, मैंने आइसक्रीम खाने का दिल था तो बाहर आया, तो आइसक्रीम वाला भैया ही चला गया। कहाँ चला गया, अब उसको मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा क्या। आवाज़ तो आ रही है, कहाँ से आ रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मेरा रास्ता से पार हो गया, मैं ब्लॉगिंग बनाने का चक्कर में मैंने खो दिया आइसक्रीम वाला भैया को। गाइस अभी मुझे खाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, आवाज़ से सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं देर बस आता अभी गायब हो गया, लेकिन मैं रास्ता में रुका हूँ, जो कि इधर जाने से भी दिखाई देगा, इधर जाने से भी दिखाई देगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। किधर से भी, इधर से भी दिखाई नहीं दे रहा है, इधर से भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कोई खरीद रहे, वेट करते थोड़ा देर। गाइस मुझे लगता है चला गया, अब वेट करके फ़ायदा नहीं है, तो मैं वापस रूम चला जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम आने से फिर खाएगा, आते रहेगा सर, अभी गर्म है ना लेकिन। तो गाइस फाइनली आइसक्रीम भैया आ गया, आपको हम इतना धुना है मिला ही नहीं, अब फाइनल लेट कर रहे थे ना। वाला कौन है, 10 है क्या, 10 वाला कौन सा है, तब तो हम 10 वाला खाने वाला है। हाँ ठीक है, ये दे दो, एक ही दे दो, और आएगा ना आप थोड़ा बाद में भी आएगा, देखिए। हाँ ठीक है, तब और खाएगा। ये लीजिए भैया, देखो ये 20 का है, ये कितना का है आइसक्रीम।
ये अभी खाएगा उसका बट काफी गर्म है यार। थोड़ा सा फोन चार्ज कर लेगा। चार्जर कहाँ रख दिया हम साफ कर लेते हैं। ओ तो हम फोन चार्ज कर लेगा उसके बाद फिर थोड़ा बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। तथा गाइस अभी के लिए बस थोड़ा सा के लिए आप वेट कीजिए, मैं तब तक कपड़ा धो लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं अचार बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को भी मैं सिखा ही देती हूँ मुझे जो आते हैं और अलग तो मुझे आता नहीं, ये भी मेरा दोस्त है मैंने सीखा था। तो पहले उसको बैठाना है, उसका तेल को गर्म करना है, उसका उसको उसका सीट्स लोग को ना उसका गुटी लोग को यहाँ में अलग से निकालना पड़ेगा। आपको कैरी बैग लगा लेना पड़ेगा वरना हाथ पर जल जाएगा, तो कैरी बैग लगा के आपको ये हटाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लेना चिल्ली, नहीं तो छोटा छोटा किंग चिल्ली लेने से बहुत तकलीफ ही निकालना। अभी मेरा छोटा छोटा है तो मुझे बहुत तकलीफ लगा। उसके बाद अगर थोड़ा बड़ा बड़ा मुझे तकलीफ नहीं होना था तो यहाँ से निकाल के यहाँ अलग से करना है। फिर बम्बू को यहाँ रखना है अच्छे से, उसका ये गर्म होने का तेल को थोड़ा ज़्यादा से भर लेना। उसके बाद पहले उसको गर्म कर लेना है थोड़ा सा, उसका बाद ये डालना, उसके बाद में डाल के रख दो, हो या बस। बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, पहले मैं खुद सीख लेती हूँ किसी से, उसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी मैं खाना भी बिठा दिया सर, खाना वाना खा के असाइनमेंट लिखेगा। हाँ बहुत बिजी एक दिन गैप मिला है वो भी इतना बिजी, कपड़ा भी धुलाया नहीं, भिजा के रखा बेटा। तो अभी मैं अचार को बना लेती हूँ। बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि थोड़ा तेल ज़्यादा डालना है, और मेरे पास जितना तेल है मैंने सब भर दिया जो कि मेरे पास अभी है नहीं, खाली हो गया। तो ये इसका से हाँ हो जाएगा इतना तक मेरे लिए, तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कैमरा में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। उसके बाद आप लोग को निकालने का बाद थोड़ा सा ठंडा होने मौका देना पड़ेगा उसको, उसको थोड़ा ठंडा होने पड़ेगा। तो थोड़ा सा पकने देने के बाद आपको इसको डाल देना है। काम वाम साफ सुथरा कर लिया, खाना भी पका लिया। अब मैं कपड़ा धुलाने दिखाई था, मेरा पास सामान ही खत्म हो गया, तो हम खरीदने जा रहे हैं दुकान। काफ़ी गर्मी है यार, वाह इतना गर्मी है, देखो ना इतना गर्मी है, जल जाएगा लग रहा है। थोड़ा देर बाहर रहने से तो जल ही जाएगा, कम इना दूर नहीं जाएगा तो सामने वाला से ले लेगा। मैंने सामान ले लिया और कैरी बैग नहीं दिया मुझे। देखिए गैस मेरा अचार बन गया है, लेकिन एक डब्बा ही निकला, इतना ज़्यादा था लेकिन एक ही डब्बा निकला। तो अभी उसको धूप में सुखा देगा, हो गया। तो गैस हम वीडियो यहाँ में एंड करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है मेरा असाइनमेंट, और यहाँ लोग में भी देखो हम अभी तक लाइन में नहीं खींचे, लाइन खींचना है हमको, बहुत ज़्यादा लाइन खींचना है। उसका बाद फिर लिखना भी है, ढूंढना भी है, इतना ज़्यादा है मेरा। तीन 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 हाँ तीन तीन असाइनमेंट नहीं लिखा, इतना ज़्यादा उसका मंडे को सबमिट करना है। तो अभी मैं असाइनमेंट लिखूँगी, तो वीडियो यहाँ में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टाटा।